हे गाइस, आज हम जा रहे हैं अकलतरा और वहाँ पर सम्मान समारोह का प्रोग्राम है कल्पद्रुम महामंडल विधान के बाद। चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले तो हम मंदिर गए, जो कि जैन मंदिर अकलतरा। बहुत सुंदर मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप लोग एक बार ज़रूर जाके देखिए, दर्शन कीजिए। उसके बाद फिर हमारे बीच महाराज श्री आए, मुनि श्री विशोद सागर जी महाराज, जो कि आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के संग में हैं। बहुत अच्छा वहाँ पर प्रोग्राम हुआ। लेट्स सी आगे और क्या क्या होता है। गुरुजी मंचासीन हुए, उसके बाद हुआ मंगलाचरण, जो कि किया शिप्रा जैन ने, जो बिलासपुर में रहती हैं। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा भजन गाया, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में था। इतना सुंदर भजन, जिसके वर्ड्स बहुत ही डीप थे, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी काया मिट्टी की बनी है और एक दिन मिट्टी में मिलना है। मेरे इस भजन के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि सच्चे देव सतगुरु की भक्ति करके और जीवन को अच्छे कार्यों में लगाकर हम इस अमूल्य मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं। भजन छत्तीसगढ़ी में। एक घर का भरोसा चोला माटी के राम, एक घर का भरोसा चोला माटी के राम, चोला माटी के राम, एक घर का भरोसा चोला माटी के रे, एक घर का भरोसा चोला माटी के रे, चोला माटी के गुरुराज पधार गुरुराज।
सब होने के उपरांत गुरु जी के हमें आशीष वचन सुनने को मिले। उन्होंने प्रवचन दिए, बहुत ही अच्छे प्रवचन। संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् हरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय 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 सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय हरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम हरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम हरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा हरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा हरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा हरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा साधु जीवन शरणा जिन धर्म शरणा साधु जीवन शरणा जिन धर्म शरणा आपने आपको आप में भर लिया आपने आपको आप में भर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन वीतरागी प्रभो महावीर जिन्नादिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरन आदिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरन आपके वह चरण में विनम्र नमन आपके वह चरण में विनम्र नमन आपके वह चरण में विनम्र नमन देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव श्री मुनिश्वरनाथ भगवान की वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की प्रमुख पूज्य आचार्य आदव सागर जी महाराज की कल्पद्रुम महामंडल विधान की लेकिन वही पानी अगर एक जगह पर रुक जाता है तो क्या होता है वो जम जाता है उसमें क्या होता है अनेक तरीके की बीमारियां होने का कारण पैदा होता है। इसलिए साधु जो होते हैं वो कभी एक जगह पर रुकते नहीं है। इसलिए ये बताने की चेष्टा होती है कि जीवन में जो अंत होता है वो अपन को बहुत समझना जरूरी होता है और जब तक ये चीज अपन नहीं समझते हैं। इसके बाद जो कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहे थे हम उसका समुच्चारण देखने गए। ऐसा लगा मानो सही के समुच्चारण में हम आ पहुँचे हों। बहुत सुंदर समुच्चारण बना हुआ था, बहुत अच्छी ये कला दिखाई हुई थी, बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ था। इसकी एक एक चीज बहुत तरीके से बनाई हुई थी। ये देखिए ये महामंडल है, बहुत अच्छे से किया हुआ था सब कुछ। ये देखिए आप, चारों तरफ हमारे भगवान जी को बिठाला गया था। ये देखिए, इसके बाद हुआ सम्मान समारोह जो कि मेन प्रोग्राम था। बहुत अच्छे से सम्मान समारोह हुआ। आसपास के सभी लोग आए और भी आसपास में जो भी गांव हैं वहां से भी लोग आए। उसके बाद फिर हम वापस आ गए। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको यहाँ का प्रोग्राम, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक
जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।